ओ भाई साहब मैक ले लेने, क्या बोलते हैं भाई इसको, टेस्ला। ओ भाई साहब टेस्ला भाई साहब, रोए देख टेस्ला मास्क, अलोन की, अलोन मास्क की। ओ भाई ठंडक आ गई, भाई ठंडक। साहब कूल कूल कर दिया भाई बंदों को तो। अरे तुम तो भाई 3 नंबर यार, तुम तो प्रो बिल्कुल 3 नंबर यार भाई साहब, तुम एक कैमरे निकाल लिया भाई। भाई तुम तो यार अलग ही है स्वाग भाई तुम्हारा तो यार। Enemies ahead. सो है गाइस, क्रेजी गेमर इस बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। अब गाइस इस वाले गेम प्ले वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि मेरा भाई इस वाले गेम में बहुत ही दिनों के बाद काजल खेल रही है, और भाई इस वाले गेम में आप लोगों को क्लचेस भी बहुत खतरनाक खतरनाक देखने को मिलेंगे। और इस वाले गेम में हम लोग को एक स्क्वाड मिलेगी जो कि भैया रैंक पुश कर रही थी, और तुम्हारे भाई को देख के बोलती है कि भैया मत मारो छोड़ दो, तो उनको हम लोग छोड़ देते नहीं मारते। वो सारे सीन आप लोग को इसी गेम प्ले में देखने को मिलने वाले। अभी बात करें तो अभी हम लोग लैंड करते हैं पोचिंग की, मैं गन के नाम पर कद्दू भी कुछ नहीं मिला है, तो फटाफट पहले गन के लिए भटकते हैं, फिर बंदों के ऊपर रश करेंगे। और वाइजन मिल चुकी है तो फटाफट देखते जरा लोंडो को। और भाई डैमेज देखो लोंडे ने क्या ही दिया, इस बंदे की तो पेटी बना दी। इसका बंदा एक और है जो कि भैया अभी हम लोग के ऊपर रश कर रहा है, तो उसे भी देखते हैं ये क्या छिपता है। ओके अब इसका टीममेट जैसी नॉक फिनिश हुआ तो ये बंदा जो है पीछे की तरफ भाग गया। पहले तो ये बंदा रश कर रहा था लेकिन इसको डर लगा तो ये पीछे भागने लगा। तुम्हारे भाई ने इसकी पेटी बना दी है। और भाई ये बंदा भी उसी टीम का बंदा है, देख रहे हो तुम। अगर ये तीनों बंदे एक साथ रश करते तो शायद हम लोग की पेटी बना देते, लेकिन नहीं भैया जी को तो अलग अलग खेलना है, इसलिए भाई सब पिलोगे। अब इनका लास्ट बंदा कहाँ है वो हमें नहीं पता। अब देखो इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग पोचिंग से निकल ही रहे थे, लेकिन तभी मेरे को ये वाले स्क्वाड हाउस में ऊपर की तरफ दो बंदे दिखते हैं। जंप कर गया क्या? और भाई ये वही रैंक पुशर बंदे हैं जो कि भाई हम लोग से टीम अप करना अच्छा, चाहते हैं, तो सुनो बस ये बातें। हेलो 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 ब्रो, मीटअप कर रहा है। हेलो रैंक पुश कर रहे हैं भाई, रैंक पुश कर रहे हैं, छोड़ दो भाई, रैंक पुश कर रहे हैं भैया, भाई रैंक पुश कर रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं भाई, छोड़ दो। अब यहाँ पे ये बंदे बोलते हैं कि भैया हम लोग रैंक पुश कर रहे हैं छोड़ दो, तो मुझे पता है कि भैया रैंक पुश कर रहे हो और अभी मैंने तुमको मार दिया तो कितना माइनस लगेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कॉन्करर पुश किया है तो पता है भैया कितना ज़्यादा माइनस लगता है। लेकिन ये बंदे यार हमारे साथ बैठते हैं तो मैं बोलता हूँ कि तुम यहीं पर रुको, हम लोग टेस्ला लेके आते हैं तुम्हारे लिए। इन भाई को ये टेस्ला चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो मैं ये गाड़ी नहीं दे सकता था क्योंकि भैया आगे और पूरी पोचिंग की में गाड़ी थी नहीं, और हम लोग को लोंडो के ऊपर रश करना था, हमें किल चाहिए थे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम तुम्हारे लिए दूसरी टेस्ला या मैकलेरन लेके आ जाएंगे। तो बंदे जो है कवर में चले जाते हैं और तुम्हारा भाई निकल जाता फिर बंदों के ऊपर रश करने। अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग स्कूल अपार्टमेंट आते हैं, लेकिन वहाँ पर तो हम लोग को कोई भी नहीं मिलता। लेकिन भाई तभी मेरे को ये भैया जी दिख जाते हैं जो कि बोट बूट को पेल रहे थे। तुम्हारे भाई ने इनकी पेटी डाल दी है और मेरे टीममेट से मैं मना कर रहा था कि भैया इसको फिनिश मत करो, नहीं तो इसके टीममेट आएंगे नहीं, और ऐसा ही होता है भैया, इसके टीममेट आते ही नहीं है यार। अब इस बंदे की पेटी बनाने के बाद हम लोग बहुत देर से लोंडो को ढूंढ रहे हैं, लेकिन भैया कोई भी बंदा हम लोग को दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग को दो टीम दिख जाती है, लेकिन हम जब तक यहाँ पे पहुँचते हैं जब तक एक टीम जो है क्लियर हो जाती है, और अब बचती है एक टीम, लेकिन वो एक टीम बहुत ही सही रहती है। देखो बस भाई
क्या स्कैम हुआ इनके साथ? अब आप लोग कुछ समझे नहीं होंगे कि भैया स्कैम कैसे हुआ, तो मैं सबको समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग आए थे बिल्कुल चुपचाप से, इनको पता नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मेरे टीममेट को मैं आगे की तरफ भेजता हूँ ताकि बंदों को लगे कि एक ही बंदा, और बंदा नीचे आता है कूद के मारने के लिए मेरे टीममेट को, और पीछे से मैं इसको पेल देता हूँ। और यहाँ पे एक बंदा नोक पड़ा था, तुम्हारे भाई ने उसको फिनिश किया, ऊपर से एक बंदा कूदा, उसकी भी पेटी बना डाली। अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जोर जोर आते हैं बंदों को चेक करने के लिए, और तभी मेरे को स्क्वाड हाउस पे एक बंदा दिखता है। कौन चलाता है ऐसे गाड़ी? कौन चलाता है? ये तुमको पता है ना, ऐसा ही रहता है इसका, ये गाड़ी का। और भाई अगर यहाँ पे मैं सही टाइम पे नहीं आता तो हमारे दो टीममेट लोगों की पेटी बन जाती, क्योंकि हमारे थर्ड नंबर जो भैया है वो कुछ ज्यादा ही हैवी ड्राइवर है, उन्होंने लाके ठोक दी गाड़ी, और ये भैया जी उनको पेलने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे आ गया। अब इनकी पेटी बना के आपको पीछे की तरफ तो भैया फ्लेयर दिखी गई होगी, तो चलते हैं जरा उधर। अब देखो हम लोग को अपार्टमेंट की तरफ पे ड्रॉप तो दिखा है एक, लेकिन भैया मेरे पास उतना अच्छा खासा हेलमेट वेस्ट नहीं है कि मैं उनके ऊपर रश कर सकूं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी लूट होगी। इसलिए तुम्हारे भाई को सामने की तरफ एक सरकारी ड्रॉप दिखता है, मैं जाता हूं उसको लूटने के लिए, लेकिन आगे जाने के बाद जो होगा ना बिल्कुल गलत होगा, तो देखो बस। भाई साहब मेरी तरह यहाँ पे तीन बंदे आते हैं ड्रॉप को लूटने के लिए, और भाई ये वाला क्लच आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वाला क्लच आप लोगों को पसंद आया हो तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना। और अब चलते हैं जरा फ्लेयर वाले बंदों के ऊपर रश करने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे भाई के पास ग्रोजा आ चुकी है। और हाँ यार, आप लोगों ने अभी तक मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो यार, जाके करो फॉलो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा भाई बहुत ही खतरनाक कंटेंट ला रहा है, BGMI के वॉइस ओवर के साथ गेम प्ले डाल रहा है। तो प्लीज़ हो सके तो फेसबुक पे फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डेली उस पर वीडियो लाता है तुम्हारा भाई, और जाके देख भी लेना यार, लेकिन इस गेम प्ले को देखने के बाद। अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं भैया फ्लेयर वाले बंदों के ऊपर रश करने के लिए, और यहाँ पे अब मैं आप लोग को एक खतरनाक कैंपर दिखाने वाला हूँ जो कि भैया C1S2 कॉन्करर है। देखो पड़ी उनको गंदी वाली पड़ी है, आ गया स्वाद इनको बस। और भाई इस बंदे के पास में शायद से ग्लेशियर भी थी, तुम्हारे भाई ने इस बंदे की पेटी बना दी है, और ऊपर की तरफ इसका टीममेट है तो उन्हें भी देखते हैं। तीनों ऐसे एक और है नीड। Oh, nice. और भाई फाइनली इसी के साथ इस बंदे की भी तुम्हारा भाई यहाँ पे पेटी बना देता है, और एक बंदे को तो मैंने ग्रेनेड से नॉक कर ही दिया था। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लेयर था तो बंदे आ सकते हैं। अब देखो अपार्टमेंट में तो कोई भी नहीं आता, और यहाँ से हम लोग निकल ही रहे थे, लेकिन तभी सामने की तरफ एक स्क्वाड आती है। और यहाँ पे मैं गाड़ी में से दो बंदों को उतार देता हूँ, दो बंदे और बाकी हैं, लेकिन भैया हम उनके ऊपर रश नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल पे भी एक टीम है, तो इन्हें देखते पहले। कवर बनाओ मेरा हेल्थ से कॉल। हाँ हाँ मैंने एक आई थिंक टीम में ध्यान से कृषि नहीं हो रहा है क्या? पेटी डल गई इनकी। नहीं नहीं ग्रोजा से मारा ना, तो चलो भैया स्कूल वाली टीम तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी बची है रोजोक वाली टीम, तो उन्हें देखते हैं फटाफट। और इस बंदे का स्प्रे देखो, चलो चलो। अब यहाँ पे देखो मैं समझ चुका था लोंडा लेट के मार रहा है कतई खतरनाक स्प्रे, तो इधर से तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं फटाफट रिवाइव लेता हूँ और फिर इनके ऊपर डायरेक्ट रश करूंगा, और बस देखना फिर ऐसे कैसे बोल रही। अब उस बंदे का तो स्प्रे आप लोगों ने देख ही लिया, अब ये वाला स्प्रे आप लोगों को कैसा लगा वो भी मेरे को आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एक बंदा नौके एक ही बाकी है, तो फटाफट रश करते हैं।
अरे इन लोग से नहीं होगा बे। नहीं हो रहा क्या? आए हाय। और भाई फाइनली इसी के साथ इन दोनों बंदों को तुम्हारा भाई नॉक कर देता है, जिसमें से कि एक बंदे की मैं पेटी बना डालता हूँ और एक बंदा बाकी है जिससे कि मेरे टीममेट लोग अभी बात कर रहे हैं, तो उसे भी फिनिश करेंगे और निकलेंगे फिर, क्योंकि जोन आ चुका है। नहीं हो रहा है क्या? और भाई तुम इन बंदों का नाम याद रखना, क्योंकि ये बंदे मेरे को सामने वाले रिकॉल टावर पे फिर से मिलने वाले, और ये बंदे फिर से मेरे से फाइट लेंगे, और बस देखो आगे जाने के बाद क्या सीन होगा भैया। खूब खतरनाक बेइज्जती करवा रहे हैं ये बंदे अपने हाथ से। अब भाई साहब अपना रिवेंज नहीं ले पाए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं यार, इनकी तो पेटी डल चुकी है। सामने की तरफ से मेरे को अभी एक फुटस्टेप और आ रहा है, साथ से बंदे स्क्वाड हाउस में, तो उसके ऊपर भी रश करते हैं। उसी प्लेन में अरे रे 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 रे। बैंडेज लगा रहा हूँ मैं, जगह हो रहा क्या? लग गया वो, नहीं है ना? लो लो मॉली नेट दोनों है। और भाई हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का फुटस्टेप आ रहा था, यहाँ पर तो भैया दो दो बंदे रहते हैं यार, तो फटाफट लूटते और निकलेंगे फिर। अब देखो इन लोंडो की पेटी बनाने के बाद हम लोग वापस से जॉर्जो पुल आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मेरे को सामने की तरफ दो टीम दिखती है जो कि आपस में लड़ रही थी। और यार यहाँ पे मैं किल चुरा नहीं पाता हूँ, मैं पूरा ट्राई करता हूँ लेकिन यार बंदा दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अब तुम्हारे भाई ने एक बंदे को सामने की तरफ नॉक कर दिया है, और एक बंदा बाकी, और उस एक बंदे को तुम याद रखना, वो बंदा इतना ज्यादा भाई खतरनाक रहता है, या क्या बताऊं भैया, किल ही नहीं देता, वो जोन में ही मर जाएगा देखो तुम। मेरे फ्रेंडलेस का एक बंदा बोल रहा है हैकर को नेड मारो। तुम्हारा टीममेट ये निक तुमको नेड मार रहा हूं मैं कहीं जी। अब भाई इस बंदे के लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। बंदे ने मेरे को किल नहीं दिया लेकिन वो जोन में मर गया यार। अभी क्या शील्ड है? 2 रुपए वाली शील्ड थी ये। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जोन में जा रहे थे, लेकिन तभी मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसको कि फोर्थ नंबर पेल रहा था। ये नहीं नहीं सामने जा रहा है ये। अब यहाँ पे मैं इस बंदे को नॉक तो कर देता हूँ, लेकिन इसका टीममेट अभी भाई सामने की तरफ है, तो उसके ऊपर भी रश करते हैं फटाफट, पहले हील कर लेते हैं। क्या बोल रहे हो यार तुम? इनबिल्ट है। और भाई ये था इस टीम का लास्ट बंदा, यहाँ पे पूरे के पूरे 4 बंदे थे, एक बंदे को मेरे टीममेट ने पहला फोर्थ नंबर ने जो कि रेंडा में, और 3 बंदों को मेले पहला। अगर भैया ये बंदे साथ में होते तो शायद हमें पेल सकते थे, लेकिन नहीं भैया जी को तो अकेले अकेले खेलना है। वहां से निकलने के बाद मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है, लेकिन भैया ये वही बंदे थे जो कि अपने को स्टार्टिंग में पोचिंग की में मिले थे, और यहाँ पे इन बंदों की पूरी पूरी स्क्वाड रहती है, तो यहाँ पे मैं इन बंदों को बुलाता हूँ, और बाद में जोन जब छोटा हो जाता है तो इनसे हम लोग पेन फाइट भी करते हैं, तो आप लोग पेन फाइट इन्जॉय करो। यही था आज के गेम प्ले वीडियो में, आई होप कि आप लोग को गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर भैया वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गाइस इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, और हाँ हो सके तो प्लीज़ मेरे को फेसबुक पर फॉलो करना, वहाँ पर भी तुम्हारा भाई तगड़े तगड़े कॉन्टेंट ला रहा है। और बस ये देखो अब पेन फाइट करो।
क्रेजी क्रेजी ओह नाइस अरे रे 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 मजा आ गया बिल्कुल जाओ 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 आ जाओ कोई एक आ जाओ आ जाओ हमको थोड़ी मारना है रे गुरु नाइस नाइस फाइट कर लो ना क्या कर रहे हो तो फाइट लेना शायद से गन से नाइस नाइस बन के नाइस